छटा निहारी है। साच बराती है भोला मुड़े में लगी सवारी है। दूल्हा बन के तैयार हुए भोले बाबा पर्वत। अब कहो नारद अब काय की कमी है? तो नारद जी बोले महाराज अकेले ही चलोगे, बारात कहाँ है, बारात की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोले रुको नारद अभी हम बारात का भी इंतजाम कर रहे हैं। अब पर्वत पे खड़े होकर के भोले बाबा ने आवाज लगाई, सुनो भैया जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही हो वहां तक के जितने भी भूत प्रेत हैं सब तैयार होके आ जा, हम शादी करने जा रहे तुम लोगों का निमंत्रण। और जो भूतों ने ये शंकर जी की आवाज सुनी भूत हो करके भागे। बड़ा दृढ़ में नंबर हुआ, अगर काव के हाथ में थाली है दूसरे में डंडा है तो वो थाली में मार रहे है। तो नारद बोले बहुत अच्छा लग रहा है, ना बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। अब चले हैं भोले बाबा की बारात में भूत बराती बन के। शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के चले हैं बारात में। कैसी बारात सजी शंकर जी की पर्वत में? अगर किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है। अगर किसी के धड़ है तो सर नहीं है, सर है तो धड़ नहीं है। जो सर है वो सर ही लुढ़कता हुआ बारात में जा रहा है। अगर किसी के शरीर पे आंखें हैं तो कान नहीं है, अगर आंखें हैं भी तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, कान है ही नहीं। अब भोले बाबा की भूतों की बारात सज के तैयार हुई। वहां कैसी बारात सजी है? कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना कछु भी सौ रुंड मुंड धारी, कछु हाथ बिना कछु पैर बिना मोही न हटे सुंड धारी। कछु को पीछे की खबर नहीं, कछु को आगे का ज्ञान नहीं, भोले बाबा बरात लेकर के भूतों की चली बाहर। बूढ़े से नंदी पे खुद बैठे तो भूत पीछे बड़ा चिल्ला रहे, शोर कर रहे, खुशी के मारे नाच रहे। तो नारद जी बोले भोले बाबा इन भूतों को तो शांत करो, जब ये यहां नहीं मार रहे तो भला वहां कैसे मानेंगे। तो शंकर जी ने नंदी पे बैठे थे पीछे मुंह करके देखा तो भूत सब शांत हो गए, और जैसे ही आगे मुंह किया भूत फिर से लाने लगे। अब शंकर जी नंदी पे पीछे मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथों से पूछ पकड़ ली। नारद बोले अब और बढ़िया लग रहा है।